हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स। मॉम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल, बहुत ही सिंपल और टेस्टी ये ठंडी ठंडी सी कोकोनट आइसक्रीम, जिसे बनाना है बेहद आसान और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बेहद कम इंग्रेडिएंट्स में बन के रेडी हो जाती है, बेहद आसान रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले टेंडर कोकोनट लिया है। इसके अंदर की जो मलाई होती है मैंने इसका यूज किया है आइसक्रीम बनाने के लिए। तो ये मलाई जो है इसे मैंने जो है निकाल लिया है नारियल के अंदर से। निकालने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए इस तरीके से। पीसेस करने के बाद मैंने इन्हें मिक्सी जार में डाल दिया इस तरीके से। और अब इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे हम अच्छे से। बस ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके का जो है पेस्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा, नारियल की मलाई का पेस्ट। बनाने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे दूध की मलाई। आप चाहें इसकी जगह जो है फ्रेश क्रीम अमूल की वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थी, मेरे पास दूध की मलाई अवेलेबल थी तो मैंने इसे इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे मिठास के लिए पाउडर शुगर और इसमें जो है वनीला एसेंस डालेंगे 2 से 3 बूंद। इसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया है 1.5 कप। ऐड करने के बाद अब हमें सभी को ग्राइंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो ऐसे भी आइसक्रीम जमा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा डेजिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है अवेलेबल हो तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज आप प्रॉपर स्किप कर सकते हैं इसे। तो बस इसे डालने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने ये जो है ग्लासेस ली है छोटी छोटी, इन ग्लासेस में मैंने अपने आइसक्रीम का मिक्सचर इस तरीके से ट्रांसफर किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कोई मोल्ड का यूज नहीं किया है। इसे बिना मोल्ड के भी हम घर पर भी बहुत ही इजीली आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मोल्ड में इसे ट्रांसफर किया है। मेरा थोड़ा मिक्सचर बच गया था तो इस मिक्सचर को मैंने जो है इस तरीके से कप में भी ट्रांसफर कर दिया है। और अब फॉइल पेपर से अच्छे से हमें सील कर देना है इन ग्लासेस को, और जो कप में हमें ट्रांसफर किया था मिक्सचर को इन्हें भी अच्छे से हमें सील कर देना है इस तरीके से। के बाद मैंने ग्लासेस के ऊपर इस तरीके से नाइफ से थोड़ा सा कट लगाया है और जो आइसक्रीम की स्टिक होती है उसे इस तरीके से इसके बीच में लगा के इसे सेट कर दिया है। और अब मैंने रात भर इन्हें रख दिया है फ्रीजर में सेट होने के लिए। तो चलिए रात भर फ्रीजर में सेट करने के बाद मॉर्निंग में चेक करेंगे हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। फॉइल पेपर हटाएंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने सारी जो है ग्लासेस में से फॉइल पेपर हटाया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब इन्हें हमें निकालना है ग्लासेस से। तो जिसके लिए मैंने नॉर्मल जो ग्लास में पानी है उसे लिया है, या मैं ना ठंडा ना गर्म पानी लेना है, नॉर्मल जो पानी होता है रूम टेम्परेचर का उसमें इस तरीके से हमें 1 से 2 सेकेंड के लिए डिप करना है। इसके बाद हाथ से इस तरीके से हमें रोल करना है ग्लासी को। रोल करने के बाद हमें इस तरीके से बहुत ही इजीली इसे निकाल लेना है। तो बस मैंने सेम प्रोसेस में अपनी सारी जो आइसक्रीम है उन्हें ग्लासी में से निकाल लिया है। तो बहुत ही आसान है इसे निकालना। तो बस इस तरीके से डिप करना है ग्लासी में और हमें इस तरीके से आइसक्रीम को निकाल लेना है ग्लासियों में से। तो चलिए इन्हें करेंगे अब हम सर्व। तो आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट से। तो मैंने थोड़ा सा इसे पिस्ता से इस तरीके से इसके ऊपर चॉप करके डेकोरेट किया है। तो बहुत ही सिंपल और टेस्टी बनती है ये कोकोनट आइसक्रीम। तो एक बार आप घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। बेहद कम इंग्रेडिएंट में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये सिंपल सी कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज मेरी रेसिपीज को लाइक शेयर करना ना भूलें।